दिन है सबसे बड़ा, कल होली है दिवाली है, कल जादू होने वाला है, माँ लौट के आने वाली है, माँ लौट के आने वाली है, माँ। सारी दुनिया देखेगी के मेरी माँ है सबसे भली, बूंदी के लड्डू बांटूंगी मैं पूरे मोहल्ले पूरी गली, लड्डू पूरे नहीं पड़े तो बर्फी बटने वाली है, माँ लौट के आने वाली, तूने बोल तो दिया है, लाएगा कहाँ से इसकी माँ को? अब बोल दिया है तो बोल दिया है मास्टर, लगता है बिटिया की माँ को ढूंढने में चिरौली जाना ही होगा। आपको क्या लगता है कि पहले आप मुझे हलाओगे, मेरी लाइफ ओवर करने के बाद मुझे एक गिफ्ट दोगे तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा? नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप इसे खोलो। शिकर टॉप दादा, आपको लगता हो कि ये फनी है लेकिन ये बिल्कुल फनी नहीं है। यस यस, ये फनी नहीं है, इसमें ऐसी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक गिफ्ट दिया। मतलब ये कि हमारी जिंदगी ना, हमारी लाइफ बिल्कुल इस खिलौने जैसे होती है, आपको लगता कुछ है वो कुछ और ही जाता है। आपको ऐसा लगा कि मैंने आपके लिए कुल्फी को जिता दिया, पर मैं प्रिंसेस, मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया है कि अगर आप वो जिंदगी भर याद रखोगे ना तो तुम्हारा कभी नहीं हारोगे। रियली? इंसान जब ईमानदार होता है ना, ऑनेस्ट, जब वो चीटिंग नहीं करता तो अपने आप ही अपनी मेहनत पे भरोसा करने लग जाता है, फिर चाहे खेल हो या फिर जिंदगी हो, वो अपना 100% देता है, और जब वो ऐसा करता है ना तो उसकी जीत पक्की है। अगर मैंने अपना 100% दिया और मैं फिर भी आ जाऊं, आपको कैसे लगेगा? जैसे मैं जीत गया। अगर मेरी बेटी ईमानदार है ना, अगर वो मेहनत करती है, मैं हर काम में दिलो जान लगा देती है, तो बच्चे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए दुनिया की, सिर्फ ये चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो पता मैं आपको क्या बोलूंगा हमेशा, कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई प्रिंसेस, मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, बहुत ज्यादा। पता क्यों? क्योंकि आप ना मेरी जिंदगी में बहुत कीमती हो। या फिर वैसे ही कह रही हूं। आपको पता है मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? 21st March 2011। ये तो मेरा बर्थडे। ये वो दिन है जब मैंने आपको पहली बार गोदी में लिया था। ये वो दिन है जब वो इतने से थे
कि मेरे एक हाथ में ही आ गए थे और फिर क्या? फिर आपने मेरा अंगूठा कस के पकड़ लिया था, ठीक वैसे जैसे अभी पकड़ा। सफी मेरा बच्चा। I'm sorry, डैडा। I promise कि मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगी, अपनी फुल मेहनत लगा दूंगी, हार्ड वर्क इतना 100% दूंगी। और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं भी आपको उतना ही प्यार करूंगा जैसे उस पहले दिन किया। अब चल के अपनी मॉम को हम जाके बताएं कि हमने क्या डिसाइड किया है, वो भी खुश हो जाएंगे। चले आ जाओ। गिरा ग्लास अपने आप तो नहीं गिर सकता, कहीं गुंजन भाभी ने खुद ही तो नहीं गिरा दिया? ये ग्लास कैसे गिरा? भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये ग्लास कैसे गिरा? आप अपने हाथ पांव हिला पा रही है क्या? भाभी ये ग्लास कैसे गिरा? ऐसा मत कीजिए ना, क्यों कर रही है ऐसा, क्यों टॉर्चर कर रही है? मैं जानती हूँ आपको लगता है कि ये आपकी जो हालत है मेरी वजह से हुई है, पर नहीं, और ये बात आप भी जानती थी, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर जो आप करने वाली थी ना उससे मेरी बेटी को बहुत दुख पहुंचता अभी, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ताना मॉम अंदर भी नहीं है तो वो कहाँ गई? माय प्रिंसेस, आपकी मॉम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ताई जी के कमरे में होंगी। कि मैं जानती हूँ मैं जो कुल्फी और सिकंदर के साथ कर रही हूँ वो आप सबकी नजरों में गलत है पर मेरी नजरों में नहीं है, आप सबकी नजरों में मैं विलन हूँ पर मेरी नजरों में मैं नहीं हूँ। अब एक माँ नहीं है, अब कभी नहीं समझ पाएगी कि मुझ पर क्या बीतती है, कि एक माँ अपनी बेटी के हक को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, उसकी खुशी के लिए क्या क्या कर सकती है, आप नहीं जानते। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, काश जो उस दिन हुआ फोन नहीं हुआ होता, काश आप बिल्कुल ठीक होती। मैं खुद ही फीलिंग शेक ऑफ नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, जो हुआ गलती से हुआ। आप सब जो ये सच को सामने लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सच कभी सामने नहीं आ सकता भाभी, क्योंकि अगर ये सच सामने आ गया ना मेरी बेटी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए मैं ये सच को सामने नहीं आने दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। क्या? हाँ? लवली क्या हुआ ये? मैं भाभी जी ठीक तो है ना, तुम ठीक हो? हाँ, सब ठीक है, चले। हाँ मॉम चले, मुझे भी आपसे बहुत बात करनी है। हाँ बेबी कम कम लेट्स गो। सिकंदर चलो हमारा वेट कर रही है, शी इज फाइन, आराम करने दो, चलो। तू क्या कह रही थी भी? देवर जी ने कहा कि वो कल मेरी बाँह को लेकर आएंगे और मैं भी अभिषेक की तरह प्रतियोगिता में अपनी बाँह के साथ हिस्सा लूंगी। सच बता मेरे को, सच सच बता, देवर ने क्या बोला? सच अभी तो कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि वो भी मेरे पापा की तरह जादू करेंगे और मेरी बाँह आ जाएगी।
विश्वास ही नहीं हो रहा कि कल मैं अपनी माँ से मिलूंगी, फिर से उससे मिलूंगी, फिर से उससे छुपी पाऊंगी, फिर से उससे गुत बनवाऊंगी। पता नहीं सिकंदर जी, मैं इतनी खुश कब थी। वाह, तेरे तेवर जी तो तेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पता है क्या, मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही। आप मेरी मदद करोगे ना? क्या करना है देखो? बहुत बड़ा सियापा है सिकंदर जी, मैं अभी तक देवर जी को बाबा नहीं बोल पाई हूँ। कहना तो चाह दिया, लेकिन उनके सामने जुबान ऐसी अटक जाती है जैसे बाबा की साइकिल कीचड़ में अटक जाती थी। आपके सामने आराम से कैसे डैडा, फादर, बाबा सब निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बोलने जाती हूँ तो दिल से निकलता ही नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो इसकी वजह से दुखी भी है। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना? ना मेरी बच्ची, तू तो मेरी परी है, तू बुरी कैसे हो सकती? सबसे अच्छी बेटी है। तो फिर मैं उन्हें पापा क्यों नहीं बोल पा रही? इसे कैसे बताऊं कि जो इसका दिल कह रहा है वही सही है, देवर इसका पापा नहीं है। बोलो ना। अच्छा ये बता, जब तू गाना गाती है तो गाना कैसे निकलता है? अंदर से निकलता है ना, यहाँ से ना, और रुकता नहीं है, ऐसे निकलता है जैसे उल्टी निकल। हाँ है ना, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तू संगीत से बहुत प्यार करती है, इसलिए। पर जिस दिन तू अपने पापा से प्यार करेगी ना वैसा वाला, तब होगा ये, तब निकलेगा तेरे मुंह से। क्या साथ था आधा पर याद पूरी है, क्या दूर मुझसे तेरा यूं जाना जरूरी है। तुझे रोकने से खुद को रोकने का आंसू वादा। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, बेमन कहने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का वादा? सच्चा वादा। वही तो, ये और बप्पा जी के आपस में यही बात चल रही थी। अब आपने कह दिया तो खाटी तैयार पटकार। थैंक यू। उम्मीदें बांध के चलती है ये बच्ची। अगर कल देवर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया, इसकी मां बना कर दो क्या होगा? मेरे पास तो देवर के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। बता
वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। शास्त्रों में भी लिखा है कि माँ भगवान का रूप होती है और जिसने माँ का दिल जीता उसने सारी दुनिया जीती। लेकिन आज तो माँ और बच्चे दोनों को जीतना है, तो खेल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को रूल समझा देता हूँ। आज के इस प्रतियोगिता में 3 राउंड होंगे और जो माँ बच्चे की जोड़ी सबसे ज्यादा राउंड जीतेगी वो पहले नंबर पर आएगी। प्रिंसेस, गुड लक। थैंक यू। ये तेवर कहीं नजर नहीं आ रहा, उसने कहा है वो कुल्फी की मां को लेकर आएगा, कहीं कुल्फी का दिल ना टूट जाए। आ जाओ मां, देर मत करना। आ जाओ मां, देर मत करना। मैंने सुना है कि तेरी माँ आने वाली है, कहाँ है वो, अभी तक आई नहीं क्या? हाँ जी हाँ जी, मैं भी उसी का रास्ता देख रही हूँ। देवर जी उसे लेने गए, माँ अभी आती होगी बस। मुझे पता है तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन तू इतनी स्टूपिड, आई मीन बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुझे इतना भी नहीं पता क्या कि दिन में तारे नहीं निकलते, और अगर तेरी माँ ताजा बन गई है तो कैसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है मेरी जी, जादू से। देवर जी ने मुझे सब समझाया। जैसे महादेव जी ने गणेश जी के साथ जादू करके उनके सर की जगह हाथी का सर लगा दिया था ना, वैसे ही देवर जी भी जादू करेंगे। आई थिंक बल्ले बल्ले देवर जी तुझे कोई स्टोरी सुना के उल्लू बनाया, क्योंकि जादू में कुछ नहीं होता। होता है, मेरे बाबा को भी आता था, मैं चाहे जितना भी दूध पी लेती थी ना, मामा फिर से उतना घटता ही कर देते थे। तू है ही बेवकूफ, तेरे मामा भी तुझे बुद्धू बनाते थे और बल्ले बल्ले टेबल भी बना दे। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मामा सच में ऐसा जादू कर लेते थे, सच्ची। ला ला झूठी झूठी पांच बीजी थी, झूठी नहीं सच्ची, झूठी 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 सच्ची, झूठी झूठी एकदम झूठी, सच्ची सच्ची एकदम सच्ची। कुल्फी, हमारे साथ खेल में हिस्सा लोगी? ये तो बल्ले बल्ले तेवर है, इन्होंने लड़की का ड्रेस क्यों पहना है? आज तो फैंसी ड्रेस भी नहीं है, कुल्फी के डैड कुल्फी की मॉम बन के आए। क्या हो गया? जब आपकी माँ, आपकी माँ और बाबा दोनों हो सकती हैं, तो आपके पापा, आपकी माँ और बाबा क्यों नहीं हो सकते? तेरी माँ ने तुझे कितनी बार समझाया ना कि तेरी माँ भी वही है और तेरा बाप भी वही है। जैसे लग रहे हो, वो भी ऐसी तैयार होती थी। पर ऐसे कैसे हो सकते?
आओ बिटिया, आज के खेल हम ही जीतेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।